खलिया अल्लाह। मैं पूछा तेरे को ये अल्लाह है बोल के कौन बोले रे, कैसा मालूम रे तेरे को अल्लाह है बोल के? देखा अल्लाह को, आप लोगों को नहीं पूछ रहा हूं बाजू वाले को, खाली अल्लाह अकबर डार्लिंग मस्जिद में लिख के लगा रहे, खाली अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी बदमाशी है देखो आप, तेरे को ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना कौन सिखाए रे? अच्छा इन्हें इतना बदमाश रहता बाजू वाला टेढ़ी खिड़का है ने मेरे को हमारे अमीर साहब सिखाए, अमीर साहब सिखाए ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह तेरे अमीर साहब को कौन बोले रे ला इलाहा इल्लल्लाह? बोले हमारे मौलवी साहब बोले। तेरे मौलवी साहब को कौन बोले रे? इमाम बुखारी बोले। इमाम बुखारी को कौन बोले? जी उनको हजरत अबू बकर बोले। बोले हजरत अबू बकर को कौन बोले? हजरत उमर को कौन बोले ला इलाहा इल्लल्लाह? हजरत उस्मान को कौन बताए ला इलाहा इल्लल्लाह? हजरत अली को कौन बताए ला इलाहा इल्लल्लाह? तो जवाब मिलेगा सारी कायनात को बगैर देखे खुदा का पता मिला तो किसी और से नहीं आमिना के लाल के तक से मिला। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों मसलों को समझो, बाजू वाला बेटा समझा ही नहीं ये मसले, फुगट में निकल गया। हाँ जी मेरे भाई फुगट में निकल गया भाई। ऐसी जगह हमारे मोहल्ले में एक जो है बाजू वाला क्या कर रहा, बच्चों को पकड़ रहा पकड़ रहा पकड़ रहा पकड़ रहा पकड़ रहा पकड़ पकड़ के बोल रहा फातिहा नहीं देना हराम, अंदर से निकाल अल्लाह हराम। तो बच्चे पकड़ के मेरे को बोले मौलाना ने नए नए बातें कर रहा। मैं बोला इसको इधर ला रहे इधर खैरू को पकड़ के लाए लाए। तो मैं पूछा क्या मियाँ फातिहा देना? हाँ जी हराम है। बोला हराम की तारीफ क्या है रे? नहीं मालूम मेरे को। तू मौलवी है रे, हाफिज कुरान है? नहीं ना मौलवी हूँ ना मैं हाफिज कुरान। क्या करता तू? मैं होटल के काउंटर पे बैठता हूँ, काउंटर पे बैठ के चाय के पैसे कितने आते, बिरयानी के पैसे कितने आते, ले खामोश। हराम के हलाल के मसले तेरे को क्या मालूम रे गाबड़ा? हराम के मसले तू बयान करता, हम लोग मर जाना। हर एक के मसले बयान करने के वास्ते हर एक को अल्लाह पैदा करा। इलेक्ट्रिशियन के मसले इलेक्ट्रिशियन बयान करना, मेरे को पूछे मौलाना क्या होता बोले तो वायर पकड़ के देख बोलता हूँ। जिसका मसला उन्होंने बयान करना, क्या बोलते भाई? नहीं डॉक्टर के मसले डॉक्टर बयान करना, मेरे को पूछ रहे मौलाना सर में दर्द हो रहा क्या खाऊं बोले तो जहर खा ले बोलता हूं मैं। पूरे कुछ कहानी खत्म। डॉक्टर का मसला डॉक्टर से पूछना, इंजीनियर का मसला इंजीनियर से पूछना, इलेक्ट्रिक का मसला इलेक्ट्रिशियन से पूछना, घर में पानी नहीं आ रहा टूटियां खोल रहे क्या हुआ प्लंबर से पूछना, मोरिया भय के जा रहे तो बल्दिया वाले से पूछना, 15 लाख रुपए अकाउंट में नहीं आए तो मोदी से पूछना। कोरोना पर आगे जोड़ जा रहे हो नहीं पूछना लगे बुद्धी से लेके अधोनी तक आया पूरे घड़े घड़े नई गाड़ी पूरी ढीली पड़ गई जगन से पूछना। वादा करे थे रोड डालते बल्कि कई कुने डाले साहब, जिसका मसला उससे पूछना,
इन्हें काउंटर पे बैठ के बोलता हराम है, देखो क्या मालूम रे होले, हराम है हलाल है, हराम क्या है हलाल क्या है, माल अल्लामा साहब से पूछना, मुफ्ती साहब से पूछना। हर होटल वाला दीन बयान नहीं कर सकता, और अगर करा तो उससे दीन नहीं सुनना, वो खुद भी गुमराह हो जाएगा, दूसरों को भी गुमराह कर देगा। तो मैं उसको पूछा, देखो कौन बोले मियां फतेह हराम है, दो बोले मेरे को शब्बीर भाई बोले, पकड़ के ला शब्बीर भाई को, शब्बीर भाई बुलाया, मैं पूछा शब्बीर भाई क्या करते आप, मौलाना है अली मदीन हाफिज है, अरे नहीं नहीं इसका सुनो, ये क्या करते शब्बीर भाई, मैं ऑटो चलाता हूं। शब्बीर भाई तुम चिचोरे, तुम गेरा डालो खारी, गुत्ती से लेके अदोनी तक कितने पैसे होते वो बात करो, तुम हराम हलाल के बीच में तुम नको पड़ो आइंदा से, समझ में आया, दाढ़ी छोड़ लेने से क्या शब्बीर भाई ऑटो वाले जो है दीनदार बन जाते क्या, नमाजा पढ़ के घस घस के घस घस के घट्टे मार लिया तो क्या तू मौलाना बन जाता, देखो हराम हलाल क्या मालूम रे होले, ऑटो में पेट्रोल सही डाल पहले, पहले वो मीटर में से गोली निकाल, दीन के मसले बयान कर रहे। आज अल्लाह की कसम खाओ ये जाहिलों से दीन की बात नहीं सुनेंगे, इंशाल्लाह जाहिलों से दीन की बात, जोर से बोलो जाहिलों से दीन की बात, जाहिलों से दीन की बात। फिर मैं शब्बीर भाई को पूछा तुम्हारे कौन बोले, मैं को जलील भाई बोले, बोला ला जलील को, ला जलील को, मैं पूछा अब्दुल जलील तू मौलाना है हाफिज कुरान, अस्तग़फिरुल्लाह ऐसा नहीं होगा, क्या करता तू मैं पंचर जोड़ता हूं, क्या ये दीन इतना बुरा यार, पंचर जोड़ने वाले मसले बयान करेंगे, ऑटो चलाने वाले मसले बयान करेंगे, जिंदगी भर पी के रोडों पे लौटते रहा, पकड़ के लेके जाके उसको मौलाना बना दे रहे इन लोग, उन्हें मसले बयान कर रहा, कल तक 90 रुपए की बोतल मारता था, चार महीने की ट्रिप मार के आया, उन्हें मसले बयान कर रहा, हम आपको बोल रहा कुरान में है क्या, शन्नू पूरी कुरान पढ़ ली तू, अल्लाह के वास्ते ये जाहिलों की बातों में मत आओ, आएंगे बोलो आएंगे, आप बोलेंगे मोल साहब हमारे कामावारम में नहीं है, कामावारम में नहीं है तो क्या हुआ, फेसबुक पे है व्हाट्सएप में घुस जा रहे हैं, यूट्यूब में निकल जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पैदा हो जा रहे हैं, समझ में आई बात, कभी भी ये जाहिलों की बातों को सुन के इससे बड़ा दीन का मजाक और क्या है, सैकड़ों सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं और एक जाहिल से दीन की बात सुन रहे हैं, उन्हें कोट पहन के टोपी लगा के पैंट चढ़ा के वॉल्यूम नंबर वर्सेस नंबर इन द कुरान, अल्लाह का फजल हुआ मुदी रोक दिया उसको जाहिल से दीन सीख रहे हैं मेरे भाई, उसको सूरे फातिहा पढ़ना नहीं आता, उसको सूरे खलास पढ़ाना नहीं आता, ऐसे जाहिल से लोग दीन की बात सीख रहे हैं, क्या अक्ल मर गई मुसलमानों की समझ में नहीं आया मेरे को, अल्लाह के वास्ते जाहिलों से दीन की बात नहीं सुनेंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, कोई भी आके हैं आइए ना दीन का काम है, नंडी मत दो उसकी, तू कौन रहे दीन का काम करने वाला, ओलामा मर गए, मौलवी लोग मर गए, अल्लामा लोग मर गए, तू कौन रहे दीन का काम करने वाला, मेरे प्यारे भाइयों मसायल को समझो, दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम दीन नहीं है, ये दीन ऐसा ऐरे गैरे नत्तु गैरे से हमारे तक नहीं पहुंचा, ये दीन पहुंचा है तो इमाम बुखारी जैसी जलील उल कदर हस्तियों से पहुंचा है, ये दीन पहुंचा है तो इमाम आजम अबू हनीफा जैसे सिराजुल उलमा शम्सुल उलमा जैसी जात से ये दीन पहुंचा है, ये दीन पहुंचा है तो इमाम शाफई जैसे सिपहे सालार से पहुंचा है, ये दीन पहुंचा है तो इमाम नसाई इमाम अबू दाऊद इमाम इब्ने माजा इमाम मुस्लिम इमाम मदारिक जैसी हस्तियों से दीन पहुंचा है, अरे
یہ دین پہنچا ہے اس کی علم کی حفاظت کی گئی ہے تو جلال الدین سیوطی جیسے جلیل القدر ہستیوں کو اللہ نے پیدا کیا. ارے وہ کیسے لوگ تھے؟ حضرت جلال الدین سیوطی خود فرماتے ہیں، میں 17 سال کا تھا، میں کعبے پر پہلی بار پہنچا، کعبے کا خلاف پکڑ کر اللہ سے دعا کیا، اے اللہ مجھے حافظ الحدیث بنا. میرے رب نے میری وہ دعا قبول کی. میں جب اب انتقال کرنے آیا ہوں، الحمدللہ میں 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہوں، 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہوں. اور پھر امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، قسم اللہ کی مجھے صرف 2 لاکھ حدیث ملی، یاد کر لیا اور بھی 2 لاکھ ملتی تو میں اس کو بھی یاد کر لے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. دین ایرے غیروں سے نہیں پہنچا میرے بھائی. سرکار امام بخاری مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر احادیث بخاری، ایک ایک حدیث بخاری شریف میں جمع کرتے، ہر حدیث کے جمع کرنے سے پہلے غسل کرتے، وضو فرماتے، 2 رکعت نفل ادا کرتے، رسول اللہ سے اجازت طلب کرتے، پھر حدیث لکھتے. ایسی شان سے احادیث کا اہتمام کیا. جب پوری بخاری شریف 10,000 سے زائد احادیث مسجد نبوی میں بیٹھ کر اس کتاب بخاری میں جمع کر چکے، تو اب امام بخاری قوم کے بیچ میں حدیث نہیں لا رہے ہیں، کتاب نہیں لا رہے ہیں. وہ کتاب اٹھائے، سر اقدس پہ رکھے، مدینے سے کوفہ تشریف لائے، عراق آئے، سرکار امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں آئے. حضرت امام احمد بن حنبل کو امام بخاری نے اپنی کتاب پیش کی. کیوں پیش کی؟ کیونکہ امام بخاری جانتے ہیں میں عالم ہوں، تو مجھ سے بڑا عالم اس دنیا کے اندر اور بھی ہے، اس کا نام امام احمد بن حنبل ہے. اور امام احمد بن حنبل کسی معمولی آدمی کا نام نہیں، 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ کا نام امام احمد بن حنبل ہے. 7.5 لاکھ حدیثیں. قرآن میں خالی 6,600 آیتیں ہیں، قرآن میں صرف 6,666 آیتیں ہیں. 7.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے سرکار امام احمد بن حنبل. امام بخاری کتاب لیا کر سرکار امام احمد بن حنبل. کون امام احمد بن حنبل؟ جن کے مخلد کا نام سیدنا غوث الورا ہے. پوری نسل غوث اعظم جس امام احمد بن حنبل کی مقلد ہے، اس غوث اعظم کے امام کا نام امام احمد بن حنبل ہے. وہ امام احمد بن حنبل کو حدیث بخاری دی ہے. دیر کر کہنے لگے، حضور اگر آپ اس حدیثوں کی تصحیح فرما دیں اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو رسول اللہ کی امت میں عام کروں گا. اگر آپ کہہ دیں گے ان حدیثوں کی امت کو ضرورت نہیں ہے یا ان حدیث میں صحاح میں کچھ کمی ہے، تو آپ کہہ دیں میں ایک گڑا کھور کر یہ کتاب کو دفن کر دوں گا. امام احمد بن حنبل نے بخاری شریف دیکھی، آپ کو اس سے خوشبوئے مصطفیٰ آنے لگی، خوشبوئے کلام مصطفیٰ آنے لگی. تو امام احمد بن حنبل نے کہا، امام بخاری، محمد اسماعیل، تم اس کتاب کو رسول اللہ کی امت کے لیے دے دو، یہ قیامت تک کے لیے شمع ہدایت بن جائے گی. میرے پیارے بھائیوں، یہ دین ایسا پھیلا ہے. سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مسئلہ چھیڑتے تو امام احمد بن حنبل کے شاگرد ایک نہیں دو نہیں، بیک وقت 1,000 شاگرد ایک مسئلے پر گفتگو فرماتے، ایک ایک مسئلے پر.
एक एक हजार शागिर्द तनखीद करते, इमाम आजम उनको मुतमईन करते, जब वो मसला हल होता तब जाके वो उम्मत के दरमियान आता। फिर वो एक एक हजार शागिर्द कौन थे, उनमें से कोई 5 लाख हदीसों का हाफिज है, कोई 2 लाख हदीसों का हाफिज है, कोई जो है 4 लाख हदीसों का हाफिज है, कोई 1 लाख हदीसों का हाफिज है, कोई अपनी जुबान से इतना बड़ा इल्म हदीस बयान कर रहा है कि सुनने वालों को रात रात दीदारे मुस्तफा नसीब हो रहा है। ऐसे लोग दीन बना के यहां तक दिए, इन्हें आ रहा टिंग 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 खटकावा कौन है अल्लाह के दीन की बात है, अल्लाह के दीन की बात, आइए तशरीफ लाइए बाहर, पूछे पढ़े लिखे हैं आप मैं इंजीनियर हूं तो फिर जा रहे भाई, इंजीनियर है तो डिजाइनर डाल लेते बैठ, तू गई को दीन का काम कर रहा रे बड़े भाई देखो आप ये हमारी ईमानदारी 1400 साल से चल रही, शफी पाशा साहेब हैं, सैयदजादे हैं, हाथ में हाथ ले लिए तो रसूल अल्लाह से मिला देते, मगर आज बयान करे बोलो करे, ये हजरत खिबला भी हैं, सैयद साहब है बयान करे, दूसरे सैयद साहब इधर उधर बैठे बयान करे, कई को नहीं करे साहब उल्ला बोले नहीं नहीं आज मौलाना है, मौलाना को सुनेंगे बोले, आज हमारे पास आलिमों की कदर कैसी है देखो, बड़े बड़े बुजुर्गां हैं, सुफेद सुफेद दाढ़ियां हैं, बच्चों को बिठा के बयान सुन रहे हैं, ये क्या है, इल्म की कदर है, ये इल्म की। अब उन्होंने माइक बयान करता हूँ, कौन जी तुम हैदराबाद से मौलाना, तुम जा मैं हूं यहाँ अदोनी को मैं देख लेता हूँ, ऐसा नहीं है हमारे पास, हमारे पास गुरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है, रियाकारी नहीं है, हमारे पास इल्म की कदर है, हमारे पास इल्म की कदर है मेरे भाई, कदर है। यहां देखो हर आदमी माइच मौलाना बोल के निकल जा रहा बाजू में, उन्हें मस्जिद में बैठ के शुरू कर रहा। एक मरतबा मैं मस्जिद को गया हैदराबाद में, मेरा बयान था मगरिब के बाद, तो असर की नमाज को थोड़ा मैं लेट हो गया था, तो मैं मस्जिद में जाके थोड़ा वक्त है मगरिब को नमाज पढ़ ले रहा हूं, असर की शरीफ आदमी नमाज पढ़ रहा हूं, बाजू दर्स चल रहा बाजू वालों का, एक साहेब कुर्ता पहन के है नीचे पैंट है, उन्हों किताब पढ़ के सुना रहे, 5-6 लोग सामने बैठे हुए, अब मैं नमाज पढ़ रहा हूं, आवाजा निकाल निकाल के पढ़ रहा, बोला अम्मा इतना भयानक रे, हदीस पढ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसी औरत से निकाह करो जो सेहतमंद हो, हदीस पढ़ा, मैं बोला आज मर्द मार दे दो मैं इसको, आज नमाज में डिसाइड कर लिया मैं, आज इसके ऊपर फातिहा पढ़ता हूँ पढ़ता हूँ, नमाज में डिसाइड कर लिया मैं, आज क्या करेंगे भाई, बर्दाश्त की भी खाद होती यारो, नमाज खत्म कर दिया, अस्सलामुअलैकुम सलामुअलैकुम, मैं बोला दुआ इसके ऊपर पढ़ेंगे, जाके मैं भी वो 6 में 7वां बैठ गया, मैं बोला अभी तू हदीस पढ़ा, रसूल अल्लाह बोले ऐसी औरत से निकाह करो जो सेहतमंद है, बच्चियां कई बच्चियां शादी खाने को ग्लूकोस लगा लेके आ रही, करना नहीं करना बोल, कई बच्चियां दुबले पतले है सेहत नहीं है, शादी करना नहीं करना बोल, अगर नहीं करना तो फिर अब तक जितने लोग दुबले पतले बच्चियों से कर लिए उनका निकाह हुआ नहीं हुआ ये भी बोल हदीस पढ़ना अलग है, हदीस को समझना अलग है, हदीस पढ़ना अलग है, हदीस को समझना अलग है। अब उसका मुंह बंद हो गया, हार्ट अटैक के करीब आ गया उन्हें, मैं बोला कई को कर रहा रे भाई, क्या करता तू क्या करता, मौलाना मैं ऑटो चलाता हूं, अरे हौले तू ऑटो चलाता तो तेरा मुर्दा निकलो, तू ऑटो चला रे, तू हदीसा कई को पढ़ रहा रे, आज रात में मर जाओ रे तू, तू हदीस पढ़ रहे बड़े भाई, तू ऑटो चला हदीस कई को पढ़ रहा, क्या मतलब है वो हदीस का,
ऐसा अगर तू बोलेगा तो घर में से एक बच्ची भी नहीं उठेंगी, शादी छिड़ेंगी बच्चों की। अब ये हमारे कई बेटियां बैठे हुए हैं, सेहत नहीं है उन लोगों की, तो क्या मतलब शादी नहीं करना? हदीस का मतलब तो वही निकल रहा ना। तो फिर मैं उसको समझा रहे, बेवकूफ, यहां पे सेहत से मुराद दुबली पतली कमजोर आंखों को जो है ऐनक लगी हुई और जो है हाथों में 8-8 दिन को ग्लूकोज चढ़ा लेने वाली बच्ची मुराद नहीं है रे। सेहत से मुराद ऐसी बच्ची से निकाह करो जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों की माँ बन सकती। सेहतमंद से मुराद माँ बनना है यहां पे। ये हदीस इमाम बुखारी का काम है, हदीस लिए उम्मत को दे दिए। इसके राजो रुमूज क्या है इमाम बुखारी नहीं समझाते, राजो रुमूज इमाम आजम अबू हनीफा समझाते हैं, इमाम शाफई समझाते हैं, इमाम मालिक समझाते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल समझाते हैं। मेरी गुजारिश है आप जाहिलों से बचेंगे, बचेंगे ना जाहिलों से, बचेंगे नहीं। हमारे पास कई ऐसे लोगों को देखा हमें डम्बुला उठा रहे, डम्बुला उठा ऐसा है हाथ पुट्ठे का ऐसा, अब माँ ऐसा भाई तीन हाथों का एक हाथ पुट्ठेगा। उन्हें भी आराज जुम्मे के दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबे तू पाउडर खा बे, अब तू भी बयान करेगा क्या है मेरे भाई ये मसला? दीन है ले तमाशा है, क्या बना दिया दीन को? खिलवाड़ बना दिया यारो, ऐरा गैरा नत्तू गैरा सब दीन की बात बयान करने लग रहे मेरे भाई। अब आपको और एक मसला भी समझा देता हूं ताकि आपको मजबूती से दीन की बात समझ में आ जाए। बाज़ लोग बोलते देखो जो बुखारी में है वही कर दूंगा, बोलते नहीं, बोलो ना जी, बोलते नहीं, जो बुखारी में है मैं वही करूंगा, बुखारी के अलावा मैं अमल नहीं करूंगा। वेरी गुड। मैं पूछा फिर पेशाब ठहर के करता बैठ के करता? बोले बैठ के करता हूं। मैं बोला कल से ठहर के कर। बोले वो कही को अबे हौले, इसका मतलब तू बुखारी पढ़ाई च नहीं। बुखारी में जो हदीस है वो ठहर के पेशाब करने की है, बैठ के पेशाब करने की नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। इधर हुल्लड़बाजी कर रहा हूं जो बुखारी में अमल करूंगा, बुखारी में हैज क्या घामड़ तेरे को मालूम ही नहीं है। बुखारी में बैठकर पेशाब करने की हदीस नहीं है। कल से कोई भी बोले बुखारी के मुताबिक अमल करो, बोले तो पूछ लेना ठहर के करता बैठ के करता, 2 मिनट में रिजल्ट आऊ। बैठ के करता बोला तो नड़ली मत दो उसकी, तू बोलता एक करता एक। बुखारी में जो हदीस आई है वो सिर्फ ठहर के करने की है। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए कल से तुम लोग शुरू हो जाएंगे वो अलग मुसीबत, खुलासा भी कर देता हूं लो गम्मत साहब, ये अलग मुसीबत है। आधे मसले बयान करे भी तो अपने लोगों को टेंशन शुरू हो जाता, तो अब सुन लो ये मसला भी क्या है। हालांकि मसला बयान करना नहीं था मगर कर दे रहा, सुन लो, खुदा की कसम मेरे मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है, मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन है। मसला क्या है सुनो, मसला ये है, ये जो हदीस है ना, हदीस है बुखारी में है मगर कब की है इमाम बुखारी बयान नहीं करते, ये मुहद्दिस का काम नहीं है। क्यों हुजूर ऐसा अमल किए, ये काम इमाम बुखारी का नहीं है, ये काम फुकहाए इकराम का है। फुकहाए इकराम तहकीक करके बताते हैं ये जो हदीस है खड़े होकर पेशाब करने की, ये उस वक्त की है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र शरीफ के आखिरी हिस्से को पहुंच गए थे, जब हुजूर इंतहाई अलील हुए, हुजूर पर आरेजा आया, नकाहत कमजोरी आई सरकार पर, इतने अलील हुए कि हुजूर खुद चल के जरूरत खाने तक भी नहीं जा सक रहे थे, बैठ गए तो उठ नहीं सक रहे थे, उठ गए तो बैठ नहीं सक रहे, इतने कमजोर हो गए, अलालत आ गई थी रसूल अल्लाह को। 63 साल की उम्र की बात है, कुछ दिनों बाद पर्दा फरमाने वाले हैं इस दुनिया से, उस वक्त की बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों सहाबा के कंधों पर हाथ रखे
और हुजूर को सहाबा इकराम जरूरत खाने की तरफ ले गए, यहां तक कि आपके कदम मुबारक जमीन पर घसीट रहे थे, इतनी कमजोरी नकाहत आ गई थी सरकार को। इस हाल में हुजूर जरूरत खाना तशरीफ ले गए, सहाबा के कंधों पर हाथ रखकर, सहाबा जरूरत खाने में हुजूर को छोड़े, हुजूर दीवार को टेक लगा के खड़े, खड़े होकर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर जरूरत फरमाई। मगर याद रखो, ये मेरे हुजूर की मजबूरी नहीं है, ये मेरे हुजूर की रहमत है। आप पूछे हजरत ये रहमत कैसे है? अगर खुदा ना खास्ता हुजूर उतनी अलालत में बैठ जाते तो खयामत की सुबह तक हर बीमार को, हर बूढ़े को हर हाल में बैठ के पेशाब करना पड़ता। मेरे नबी ने एक मर्तबा खड़े होकर खयामत तक आने वाले बूढ़ों, बीमारों, कमजोरों, मरीजों, अपाहिजों को मुसीबत के आलम में, बीमारी की हालत में खड़े होकर जरूरत करना सुन्नत का दर्जा करार दे दिया, सुन्नत का दर्जा करार दे दिया है। मेरे नबी का हर अमल उम्मत के लिए रहमत है, उम्मत के लिए रहमत। वरना मरीज को खड़े होकर पेशाब करना अजाब बन जाता था, अजाब गुना हो जाता था अगर हुजूर एक बार बैठ जाते। हुजूर खड़े होकर कर दिए ताकि मेरी उम्मत के लिए रहमत बन जाए, सवाब बन जाए, सुन्नत बन जाए बीमारी की हालत में। तो वो हदीस हालत अलालत की है। हदीस में अलील थे, कमजोर थे, जोड़ों में दर्द था, और जो बैठ नहीं सक रहे थे, कंधों पे हाथ डाल के आए थे, ये सब हदीस में लिखा हुआ नहीं होता। ये सारी तहकीक फुखा इकराम के पास होती है। अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, चलो चलते हैं रसूल अल्लाह के पास। मगर अब एक वादा कर लो पहले कि आप किसी जाहिल से दीन की बात, जाहिलों से सुनेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। अब आओ चलते हैं, बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुनेंगे? मूड में तो है ना, घर को जाना है। तुम लोग जाते बोले तो भी नहीं छोड़ता मैं, चुप पूछ रहा हूँ, क्योंकि इतनी पब्लिक तो ईदगाह में भी नहीं मिलती। ये शफी पाशा की दुआ से गौसी आजम के सदक़े में अपने मुकद्दर में लिखी गई सो है। ये सादात इकराम की दुआएं हैं अपने साथ, ये गौसे पाक का सदक़ा है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज आए हो तो दिल खोल के सुन लो, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप जरा गौर करके सुनो, हदीस बुखारी सुना रहा हूँ, मेरे रसूल की अजमत और हमारे साथ होने वाले हालात। हदीस पाक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल अब्द इज़ा वुदिया फी खबरिही, बेशक जब बंदे को उसकी खबर में लिटा दिया जाता है, कब? मरने के बाद। मरना है ना, बोलो जी है नहीं, जरा उनको जाने दो, धोती उठा ले रहे नो, जान दो उनको, जान दो, नहीं कई को कि डर गया मैं, धोती चुटा दिया हट, फिर आओ भाग जा रहा हूं, जान दे नहीं मैं डर गया जी, जरा शहर का हूं ना, ऐसे हालात हमारे पास नहीं दिखते जी। अब तुम लोग रोजाना देखते रहते तुम्हारा वो डरने वाला, मैं पहली बार देख रहा हूं। शफी पाशा बोले तो आ गया, मैं कहां जा रहा हूं मेरे को नहीं मालूम, कहीं को जा रहा हूं नहीं मालूम, कहां ले जा रहे नहीं मालूम, पाशा बोले आ जाओ, आ गया बरता। मगर ऐसा होता बोल के नहीं मानता, डर गया मैं रियल में, धोती चुटा दिया हूं आज तेरी। बयान से पहले नाजिम साहब डरा दिए, हजरते वाला हजरते वाला। मैं बोला नींबू वाला बना देता जी, फिर यहाँ इन्हें डरा दे रहा, बीच में तुम लोग कुछ भी नको करो रे भाई, पहले शरीफ आदमी हूं मैं जरा। सुभान अल्लाह, हदीस पाक है रसूल अल्लाह, अरे और एक जा रहा दी मैं भी लूंगी बेचे। सुभान अल्लाह, हदीस शरीफ है, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए,
इन्नल अब्द इज़ा वुज़िया फ़ी ख़ब्रिही, जब बंदे को उसकी खबर में लिटा दिया जाता है। बहुत बड़ी बात सुन लो, आप भी कई लोगों को जो है कोविड में ले जा के लिटाए आप। अल्लाह वो हमारे सारे कोविड के मैयतों की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमारे वो मजलूमों को शहादत का दर्जा अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे कोविड में जितने भी मेरे भाई गए हैं, हजरत शफी पाशा साहब की बेटी और हमारे अफराद खानदान या जितने लोग बैठे हैं या जितनों के भी खानदान के लोग गए, ए अल्लाह तेरे नबी की मीलाद के सबके सब की मग़फ़िरत फरमा, सबके दर्जात बुलंद फरमा दे, सबको शहादत का दर्जा अता फरमा। ए अल्लाह उन पर रहम फरमा, उनकी खबरों पर नूर की बारिश फरमा, सरकार के सदक़े में कबूल फरमा। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जब बंदे को उसकी खबर में लिटाया जाता है, आखा सलात व सलाम फरमाते हैं बुखारी शरीफ के हदीस, फतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु, और लिटाकर उसके दोस्त जो उसको लेकर आए थे मैयत को लिटाकर खबर में दफन करके खबर बना के, जब उसके दोस्त उसके घर वाले उसके रिश्तेदार उसकी खबर से पलटते हैं, खबर बंद कर दे के पत्थर लगा दिए, ऊपर नीचे लगा दिए, खबर बना दिए, अब पलट के जाते हैं, तो खबर में लेटने वाला जिसको सुफेद कफन पहना के लिटाए, जिसको घर से नहला के लेके आए, जिसको खबर में लिटा के आखिरी दीदार करे, जिसको सेलू के पत्थरों के साए में लिटाए, आका फरमाते हैं वो खबर में लेटने वाला जाने वालों की जूतियों की आवाज सुनता है, जूतियों की आवाज सुनता है। लियस्मा करानियाली, अल्लाहु अकबर, इन्हें बाजू वाला बोल रहा, हाँ मुर्दा है खबर में, सब मुर्दा है खबर में, सब मुर्दा है, ग्यारहवीं नको करो मुर्दा है, बारहवीं नको करो मुर्दा है, छठी शरीफ में अजमेर को नको जाओ मुर्दा है, नौजुबिल्ला, उर्स नको करो अल्लाह वालों का नको जाओ मुर्दा है, नौजुबिल्ला। अरे जनवर, तूने हदीस पढ़ा नहीं। आखा कह रहे लियस्मा, वो जूतियों की आवाज सुनता है, जूतियां जो चल के जाए तो आवाज आती, देखो जूतियों की, अपन चल के गए तो अपने को नहीं आती, उतनी बारीक आवाज है वो आवाज खबर वाला सुनता है। अब आप ईमानदारी से डिसाइड करो, जाहिल मौलवी की बात सुनेंगे रसूल अल्लाह की बात सुनेंगे? जोर से बोलो रसूल अल्लाह की, और एक बार जरा जोर से रसूल अल्लाह की बात सुनेंगे। लियस्मा करानियानिहिम, अरे बाजू वाला कह रहा है कि ये मुर्दे हैं खबरों में नहीं सुनते, मगर मेरा नबी कह रहा है ये जूतियों की भी आवाज सुनते हैं। जबकि जूती की आवाज हमको सुनाई नहीं देती, मगर खबर वाले को सुनाई देती है। अब जरा गौर कीजिएगा, हदीस पाक है, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अताहु मलकान, उसके पास दो फरिश्ते आते हैं। कितने फरिश्ते आते हैं? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, अताहु मलकान, उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, फयुखरीदानी, आके फरिश्ते वो मैयत को उठा के बिठाते हैं। बेटे तू थोड़ा बिजी दिख रहा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? फयुखरीदानी, आके उसको उठाकर बिठाते हैं फरिश्ते, उठाकर बिठाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, खबर में इतनी जगह तो जरूर देना कि मैयत उठ के बैठ सके। हाँ, अब ये जो हमारे पास जो खबरें बना रहे हैं, एक्चुअल ये ला इल्मी की वजह से बना रहे हैं, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाबे कराम, बड़े बड़े औलिया, बुजुर्ग सूफिया की जो मज़ारात बनती है, वो पूरा गड़ा होता है, उसके ऊपर सिल बिठाई जाती है, सिल तो अंदर पूरा गड़ा होता है। फयुखरीदानी, उठाकर बिठाया जाएगा। अब जरा गौर करो, आशिको झूम उठो, उठाकर क्यों बिठाते हैं? मैं फरिश्तों से अर्ज करूंगा, ए फरिश्तों,
इनको क्यों उठाकर बिठा रहे हो? ये बेचारा काउंटर पे बैठ बैठ के आया है, ये बेचारा बड़ी बड़ी मस्जिदों पे बैठ बैठ के आया है, ये अपने घर के पलंगों पर चेयर पर तख्त पर बैठ कर आया है, अब इसको लेटने दो, ये बैठ बैठ के थक के मर गया, अब इसको लेटने दो, इसको उठाकर क्यों बिठा रहे हो? तो फरिश्ते जवाब देंगे, इसलिए उठाकर बिठाते हैं क्योंकि अब आमिना के लाल की हाजिरी होने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इसलिए उठाकर बिठाते हैं क्योंकि हुजूर के अदब के लिए। सुभान अल्लाह। अच्छा मैं एक बात आपसे पूछता हूं, आप आपके घर को गए, आपके बेटे साहब सो रहे हैं, आप बोलते बेटे जरा उठ के बैठो, मेरे को दो सवाल करना है आपसे, तो आपका बेटा बोलेंगे अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह लेटे लेटे जवाब दे सकता हूं, आप पूछो। किसी से सवाल पूछने के लिए बिठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजू वाले क्या बोले, मैं ये तकरीर करा तो अरे सवाल के वास्ते उठा के बिठाते जी, तुम नया एक पॉइंट निकाले हुजूर आते बोल के। अरे नहीं रे दीवाने, सवाल करने के वास्ते बिठाने की जरूरत नहीं है, लेटे हुए आदमी से सवाल नहीं करते। डॉक्टर साहब दवाखाने को आए, मरीज लेटा हुआ है, उठ के बैठो जी, तुम्हारे से सवाल करना है मेरे को। मरीज बोलता मैं लेट उठ गया तो तेरे को लिटा देता हूं, बोलता। बात समझ में आई? सवाल पूछने के लिए नहीं बिठाते, अदबे मुस्तफा के लिए बिठाते हैं, ताजीमे नबी के लिए बिठाते हैं, एहतरामे नबी के लिए बिठाते हैं। अरे उठकर बैठ जा, अब तेरी खबर में आमदे मुस्तफा होने वाली है, नबी की आमद होने वाली है, नबी की जलवागरी होने वाली है, नबी की तशरीफ आवरी होने वाली है। अब आमिना का लाल तशरीफ लाता है, अब आका आगे इरशाद फरमाते हैं, फयुक़ीदानी ही, उसको उठाकर बिठाया जाता है और फिर उससे सवाल किया जाता है। मा कुंता तकूल, क्या कहता था, क्या कहता है? नहीं, वहां तो जलवा ऐसा होगा, आए हाय हाय, वहां तो जलवा ऐसा होगा, उनका चेहरा देख के तो गुंगे भी बोल पड़ेंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए अब क्या कहता है? नहीं, मा कुंता तकूल, क्या कहता था, कब? जब तू अपने मदरसे में था, जब तू अपनी जुमा के दिन मस्जिद में बयान करता था, जब लोगों के घरों पे खटके मार मार के बुला के ला के मस्जिद में बिठाता था, तो क्या कहता था? जब तू चार लोगों के बीच में बैठता था, उधर नातिया महफिल होती थी तो तू क्या कहता था? महफिल दरूद होती थी तो तू क्या कहता था? वो पूरे सारे कामावरम वाले एक मैदान में जमा होके जश्न मीलाद का जलसा करते थे तो तू चौरस्ते पे ठहर के क्या कहता था? सवाल उंगा मा कुंता तकूल, क्या कहता था, किसके बारे में? सवाल अभी पूरा नहीं हुआ, ये सवाल हो रहा है मैयत से खबर में, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, आगे सवाल हो रहा है, क्या है? फी हादर रजुल, इस मर्द कामिल के बारे में, कौन है ये मर्द कामिल, ये जाते अख्तस कौन है जिसके बारे में सवाल हो रहा है, क्या कहता था इनके बारे में, ये कौन है? जवाब फरिश्ता खुद देता है, सुन, ये जाते अख्तस जो तेरी खबर में जलवागर हुई है, ये कोई और नहीं है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जात अक़दस जो तेरी खबर में आई है, जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके बारे में क्या कहता था? अल्लाह 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 अल्लाह, बता क्या कहता था? बाजू वाला, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूं, बाजू वाले से दोस्ती नहीं करेंगे, करेंगे बयान भी नहीं सुनेंगे, व्हाट्सएप पे भी नहीं सुनेंगे, फेसबुक पे भी नहीं सुनेंगे, यूट्यूब पे भी नहीं सुनेंगे, इंस्टाग्राम पे भी नहीं, टीवी पे भी नहीं, कहीं भी नहीं सुनेंगे।
तुम लोग भोले भाले जी हैबत होती है, वहां को कहां भटक जाते की बोल के। तुम लोग बहुत भोले लोग हैं, सुन नहीं। अब सुनो मसले को समझो कि तुम बाजू वालों के साथ नहीं जाओगे मगर बाजू वाला खबर में जाएगा, तो ये सवाल खाली अहमद नक्शबंदी से नहीं होगा, सिर्फ भूतदानों से नहीं होगा, बाजू वाले से भी होगा। मैं कुंता तकूल हाजर रजूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता क्या कहता था इस जात अक्दस के बारे में जो तेरी खबर में जलवागर हुई है, जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बता क्या कहता था। बाजू वाला जवाब दूंगा, इनको इल्म गैब नहीं था, हमारी तरह थे, इनकी नाक पढ़ना बिदअत, जश्न मीलाद मनाना हराम, हरे झंडियां लगाने के बजाय गरीब की बच्ची की शादी करना जायज, खसी से बुर्दा की महफिल में जाना ही नहीं। फरिश्ते बोलेंगे तू इतना डेंजर था भाई, देखो दुनिया में जो बोल के गया खबर में वही बोलेगा ना। दुनिया में जो बोल के गया खबर में वही बोलेगा ना भाई। आप पूछ रहे क्या बोलता था, तो इन्हें यही बोलेगा, फातिहा देना नाजायज, सलाम पढ़ना बिदअत, दरूद पढ़ना नाजायज। फरिश्ते बोलेंगे इतना खतरनाक था तू, ओफो। फरिश्ते बोलेंगे पीटो रे इसको, जिसके सदखे में अल्लाह कायनात बनाया उसका जिक्र करना बिदअत है गधे, जिसके सदखे में अल्लाह इसको बनाया, इसके बाप को बनाया, इसकी माँ को बनाया, इसकी बीवी को बनाया, इसकी बच्चों को बनाया, जिसके सदखे से इसको इसके जोरू बच्चों को खाना मिलता था, वैसे नबी के फातिहा को इन्हें बिदअत हराम शिर्क नाजायज बोल के आया। फरिश्तो इसको इतना मारो इतना मारो इतना मारो, मारते रहो बस खाली। अच्छा वही फरिश्ते आशिक रसूल से पूछेंगे, गुलाम मुस्तफा से पूछेंगे, मा कुंता तकुल फी हाजा रजुली ली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता क्या कहता था इस जात अक्दस के बारे में जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो गुलाम मुस्तफा कहेगा सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, जिनके तलवों का धोबन है आबे आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला, सैयद शबीब बाजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आई? हम तो बोलेंगे हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमसे भी पूछा जाएगा, हम भी कहेंगे ये मेरे आखा हैं, आए आए आए, जिन पे मेरी औलाद कुर्बान है, जिन पे मेरे माँ बाप कुर्बान है, जो उनको मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता था, अपनी औलाद से ज्यादा चाहता था। फरिश्तों मीलाद आता था तो मैं अपने घर को वैसे सजाता था कि देखने वाला समझता था शायद मेरे घर में वलीमा हो रहा है। फरिश्तों मैं रोजाना फजर के बाद मेरे मुस्तफा पे दरूद पढ़ता था, फातिहा पढ़ता था, असर के बाद दरूद और फातिहा पढ़ता था, हर जुमा को हर महफिल में खड़े होकर या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मैं मेरे मुस्तफा पे सलाम पढ़ा करता, फरिश्तों ये मेरे आका हैं,
ये मेरे दाता है, ये मेरे शाह है, ये बेकसों के कस है, ये यतीमों के वाली है, ये गरीबों के दाता है, ये मोहताजों के आका है, ये शहंशाहों के शाह है, ये बेकसों के कस है, ये अंबिया के सरदार है, ये रसूलों के आका है, ये अल्लाह के हबीब है, ये मालिक के कायनात है, ये मुख्तार कायनात है, ये मालिक के जन्नत है। और फरिश्तों सुनो, आज मेरी खबर में आए हैं, मुझको बख्शाने वाले भी मेरे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। फिर सब तारुफ करा के आखिर में हम कहेंगे वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह, मैं गवाही देता हूं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। जो बोली यहां निकलेंगी ना वो इस खबर में निकलने वाली है। बेशक। इसलिए अल्लाह के भी क्या कानून है, क्या कुदरत है। देखो मा कुंता तखूल, क्या कहता था। इसलिए अपन या सरकार से रिश्ता अच्छा रखना। कैसा रिश्ता रखना बोलू, कैसा रिश्ता रखना बोलू, बोलू सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, सुभान अल्लाह, हजरत सोबान रजी अल्लाहु अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए हैं और बड़ी टेंशन में, फिक्र में। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सोबान क्या बात है, किस चीज ने तुम्हें परेशान कर रखा है, फिक्र में दिख रहे हो, टेंशन में दिख रहे हो, सोबान बताओ क्या बात है। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह महशर का सोच के बड़ा परेशान हूं। बोले सोबान किस चीज ने तुम्हें परेशान कर दिया। तो नबी पाक अलैहि सलाम से हजरत सोबान कहने लगे, या रसूल अल्लाह महशर का मैदान होगा, हजरत आदम से लेकर सुबह क़यामत तक पैदा होने वाला हर इंसान वहां मौजूद होगा, और या रसूल अल्लाह आप अंबिया के सरदार, रसूलों के आखा हैं, आखा आप अंबिया से बड़े मर्तबे वाले उलुल अज़्म पैगंबर हैं, आप मुकाम महमूद पर होंगे, इज्जत और शान के मालिक बने होंगे, बड़े ऊंचे दर्जे पे होंगे। या रसूल अल्लाह, सोबान को यहां तो दुनिया में आपकी सोहबत नसीब हो गई, मगर महशर में क्या होगा ये सोचकर सोबान बड़ा परेशान है। आखा मैं कहाँ रहूंगा, मेरा क्या होगा, मैं कैसा जिंदगी गुजारूंगा, मेरी महशर कैसे गुजरेगी। या रसूल अल्लाह जन्नत में आप जाएंगे तो आप अंबिया के साथ होंगे, फिर मैं वहां पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, आखा ये सोचकर बड़ा परेशान हूँ। तो कुर्बान जाओ, ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये गुलामों को रोता देख नहीं सकते है, किसी को खमसना बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी को मुसीबत में देखे तो इनको खराब नहीं आता। आमिना के लाल ने कहा, सोबान 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 परेशान ना हो। सोबान ने किया बात याद रख ले, सोबान तू किससे मोहब्बत करता है, मुझे ये जवाब दे। तो हजरत सोबान ने रोते हुए अर्ज किया, खुदा की कसम अपनी बीवी से ज्यादा, अपने बाबा से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, सोबान अपने मुस्तफा से मोहब्बत करता है, अपने नबी से मोहब्बत करता है। तो नबी ने कहा, सोबान सुन ले, जो जिससे मोहब्बत करता है मैदान महशर में भी वो उसी के साथ होगा, जन्नत में भी वो उसी के साथ होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सरकार से मोहब्बत है नहीं है, बोलो है, जोर से बोलो, सरकार से मोहब्बत है, तो फिर इंशाअल्लाह हशर भी सरकार के साथ ही होगा, हशर भी सरकार के साथ होगा। उम्मीद रखो, सरकार से ताल्लुक जोड़ के रखो। खबर में कोई मौलवी नहीं आता, बाजू वाले अमीर साहब, शेख साहब हाफिज़हुल्लाह तआला नहीं आते, लाल रुमाल यहीं नहीं आ रहा, वहां क्या आता, नहीं आता। खुदा की कसम खबर में आमिना का लाल आता है, अल्लाह का हबीब आता है, अरे गमखारों का गमखार आता है, उम्मत का दाता खबर में आने वाला है। इसीलिए यहाँ पे सरकार से अटूट मोहब्बत, फातिहा खानी करना,
सरकार से मोहब्बत करना, सलात व सलाम पढ़ना, सरकार की एक एक सुन्नत पे अमल करना, सरकार की इत्तेबा करना, सरकार की इताअत करना और 5 वक्त नमाज पढ़ के दरूद इब्राहिम का तोहफा भेजना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله। जब ये दरूद पढ़ते हैं ना 70,000 पर्दे हट जाते हैं। नमाज का जो दरूद है बराह रास्त आमिना का लाल खुद समात फरमाता है। अल्लाह, नमाज नमाज नहीं है, नमाज असल में दरबारे मुस्तफा की हाजिरी है। दिन में 5 मरतबा गुलाम अपने आखा के सामने हाजिर होता है, दिन में 5 मरतबा बंदा अपने परवरदिगार के सामने हाजिर होता है। नमाज इताअत सरकार की करेंगे इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पढ़ो मेरे भाई, कई हमारे भाई ऐसे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमारे भाइयों को हिदायत दे, तहारत से नहीं रहते भाई। कई हमारे खुसूसन ये गाँव का माहौल बोल रहा हूँ मैं आपको, आज भी लोग चांद को चले जा रहे हैं, दुनिया इतनी तरक्की कर ली मगर ये गाँव का मुसलमान अभी भी तहारत से रहना नहीं सीखा। बगैर तहारत के कारोबार को जाते, बगैर तहारत के जो है नौकरी को जाते, बगैर तहारत के बंडी ठेला ले लेके तरकारी बेचने निकल जाते, फ्रूट मेवा बेचने निकल जाते, रोजगार कमाने निकल जाते, रोजी रिज़्क़ कमाने निकल जाते बगैर तहारत के। रिवायत में आता है बगैर तहारत के कोई मुसलमान यहां से यहां एक कदम डाला, एक कदम, अंदाजा वो एक कदम के बीच में कितने कंकर आते होंगे, कितने कंकर आते होंगे, बोलो अंदाजा, बोलो कुछ तो बोलो। हाय हाय, 50-60 कंकर आते, गनेटा आते 50-60, खैरू बाता नको करो तुम, 50-60 कंकर आते, कम से कम 10,000 कंकर रहते। कंकर जितने कंकर आ रहे उतने गुना नामे अमाल में लिखे जाते हैं, उतने गुना नामे अमाल में लिखे जाते। एक कदम में आए, इन्हें कारोबार कर रहा है यहां से लेके पूरा धोनी फिर के आ रहा है इन्हें बगैर तहारत के। एक एक कदम के बीच में जितने कंकर है उतने उतने गुना, हर कदम के बदले उतने गुना उतने गुना उतने गुना लिखे जा रहा। ये एक हो गया। दूसरी चीज जीव नापाक कदम के साथ जब आदमी जमीन पे चलता है तो जमीन जो है उसको बद्दुआ करती है, ए अल्लाह इसको हलाक कर दे, मौत की बद्दुआ करती है, मौत की बद्दुआ। नापाक आदमी मौम के लिए जमीन मौत की बद्दुआ करती है, अल्लाह इसको हलाक कर दे। कई हमारे मुसलमानों को देखा मैं गांवों में, खुसूसन तहारत का एहतमाम नहीं करते, तहारत का एहतमाम नहीं करते, नौज़ बिल्ला। कई हमारी बहनें बच्चों को गोदों में संभालती है, बच्चों को गोदों में संभालती है, बच्चे गोदों में पेशाब कर देते, हमारी बहनें वैसी दिन रात गुजारते रहते। पेशाब जिस्म को लग गया, चाहे पैदा हुए सो बच्चे का हो, चाहे वो 40 दिन के बच्चे का हो, चाहे वो 4 महीने के बच्चे का हो, चाहे वो 1 साल के बच्चे का हो, पेशाब जिस्म को लग गया तहारत टूट जाती। बच्चों को ऐसा एहतमाम करना, अगर वो पेशाब भी कर लिया तो उसके ही कपड़ों में और उसके ही बिस्तर में रहना, जिस्म को नहीं लगना, ऐसा एहतमाम करना माए। तहारत टूटी अल्लाह का अजाब शुरू। और एक बात सुन लो, बगैर तहारत के घर के बाहर निकल के गया, रस्ते में एक्सीडेंट हुआ, मर गया, जहन्नम में डाल दिया जाएगा उसको, जहन्नमी जनाजा है वो, जहन्नमी मैयत है वो, कभी जन्नत में नहीं जाएंगा उन्हें। क्या है मेरे भाई, हम लोग मुसलमान तहारत से ही चने रह रहे हैं भाई, कितनी बुरी बात है। बोला सैयदुना सरकार गौसुल वरा रजी अल्लाह ताला, हम गौसे पाक के दीवाने हैं। मैं आ रहा था तो नारे लगा रहे थे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे पाक जिंदाबाद, गौसे पाक जिंदाबाद, अल मदद या गौस, नारे लगाए नहीं लगाते, नहीं लगाते, गौसे पाक के दीवाने हैं नहीं है आप, तुम्हारे गांव को आते कि पहले लेके गए गौसे पाक के झंडे की जियारत कराए तुम लोग,
तो इससे अंदाजा हुआ मेरे को गौसे पाक के तुम लोग दीवाने हैं। मगर गौसे पाक के दीवानों जरा एक मसला सुनो, गौर से सुनो। सरकार गौसे पाक रात रात भर इबादत करते थे, रात रात भर। तो शैतान क्या किया, एक रात पक्का इरादा कर लिया, पक्का इरादा कर लिया, आज की रात शेख अब्दुल खादिर जीलानी गौसे आजम को इबादत करने नहीं दूंगा। शैतान इरादा कर लिया, इरादा करके सरकार सैयदुना गौसे पाक को एहतलाम की तरफ ले गया। एक बार एहतलाम हुआ, गौसे पाक सरकार गए वजू गुसूल करके आए, फिर जिक्र में बैठे, फिर एहतलाम, फिर जाके गुसूल कर गए, फिर तीसरी बार बैठे, फिर एहतलाम, शैतान अपनी शरारत कर रहा है, फिर गौसे पाक गुसूल कर गए, 14 मरतबा एक रात में एहतलाम हुआ। सरकार गौसे पाक 14 मरतबा गुसूल करके आए, मुस्कुरा के शैतान से कहने लगे, नालायक अगर 1400 मरतबा भी होता तो गौसुल वरा अपने रब की इबादत के लिए इस गुसूल खाने से गुजर कर होता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की अहमद, सरकार की अहमद, नारे तकबीर। और हम गौसुल वरा के गुलाम हैं और हम बगैर तारत रहते हैं नौजबिल्ला। और हमारे गौसे पाक कौन है आपको मालूम? हमारे गौसे पाक की ये शान है, बड़े बड़े औलिया अल्लाह, सूफिया बुजुर्ग, जिनसे करामतें उठते बैठते चलते फिरते सादिर हुआ करती थी, वैसे औलिया मेरे गौसे पाक का नाम बगैर वजू के नहीं लेते थे। ऐसी जलील उल कदर हस्ती के हम गुलाम हैं और हम जो है नापाक रह रहे हैं, नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक। कैसा हो सकता मेरे भाई? तहारत का एहतमाम करेंगे इंशाल्लाह। ये मेरे गांव के जितने मेरे भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि बगैर तहारत के घर के बाहर नहीं निकलना। बगैर तहारत के कारोबार करने जाएंगे, कारोबार में से खैर बरकत उड़ जाती। बगैर तहारत के मुलाजिमत करने जाएंगे, मुलाजिमत में से खैर बरकत खत्म। बगैर तहारत के मामलेदारियां करोगे, वो मामलेदारी में नुकसान होगा, अल्लाह की मदद हट जाएगी, अल्लाह अपनी रहमत छीन लेगा। बगैर तहारत घर के बाहर निकलोगे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत नहीं करेगा, अल्लाह की रहमत और हिफाजत तुमसे दूर हो जाएगी। तहारत का एहतमाम करो मेरे भाई, नापाकी को रद्द करो, दूर करो। मोमिन और नापाकी दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। कभी आपने देखा सूरज भी निकला हुआ है और अंधेरा भी हो गया, ऐसा आपने देखा नहीं? देखा ऐसा नहीं। अंधेरा है, रात के 2 बज रहे हैं और सूरज निकल गया, कभी ऐसा देखा? अंधेरा और सूरज दोनों एक जगह जमा, अंधेरा और सूरज दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। इसी तरह मोमिन और नापाकी दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। मोमिन हमेशा पाकी का एहतमाम करता है, क्योंकि मोमिन की जुबान पर हमेशा जिक्र रसूल होता है, मोमिन की जुबान पर हमेशा जिक्र गौसे आजम होता है, मोमिन की जुबान पे हमेशा जिक्र खुदा होता है। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, पाकी का एहतमाम करो। अब आओ फिर से एक बार चलते हैं मेरे मुस्तफा की बारगाह में। सुभान अल्लाह। खबर में कौन सा सवाल होगा? मा कुंता तखूल, क्या कहता था? फी हाजर रजुल, अल्लाह अल्लाह। सरकार को चेहरा दिखाना है, सरकार खबर में आएंगे ना। यह हदीस पाक है, हाजा माने ये, जालिका माने वो, फी जालिका रजुल नहीं है, हाजर रजुल, ये मर्दे कामिल जो तुम्हारी खबर में खड़े हैं, हुजूर खबर में तशरीफ लाएंगे, हुजूर के सामने हम होंगे। हम किसके सामने होंगे? जोर से बोलो, अल्लाहु अकबर। मैं कई मैयतें पढ़ाया मेरे भाई, कई मैयतें पढ़ाया। मैयत नमाज जमा जनाजा पढ़ाए बाद आखिरी दीदार कराते ना, कामावरम में होता, अधोनी में भी होता, अल्लाह का शुक्र है आखिरी दीदार होता। ऐसा खबर को नमाज पढ़ा के दुआ करके, रो रो के मैं दुआ करता हूँ अल्लाह, क्योंकि अब आखिरी दुआ है। बेचारे को फिर पुट्टे इनके खबरों को जाते हैं नहीं जाते हैं नहीं मालूम, जियारत करते हैं नहीं करते हैं नहीं मालूम, फातिहा देते हैं नहीं देते हैं नहीं मालूम। इसलिए मैं रो देता हूँ, मैं बोला मौला बख्श दे, मौला बख्श दे, मौला बख्श दे, मौला, रो रो के दुआ करता हूँ मैयत पे। उसके बाद क्या होता,
खोलते सर की डोरी, खोलते कफन, हटाते हटा के दीदार कराते, आखिरी दीदार है, मैं देखता हूँ, देखते ही और डबल रोता हूँ। कई को ऐसा जा रहा खबर को शेव कर लेके, पूरी दाढ़ी काट लेके जा रहा, दाढ़ी नहीं है चेहरे पे। देखो दुनिया की हर अमल हर सुन्नत यही रह जाएंगी, मैं इमामा बन के हूँ, मरने के बाद इमामा नहीं पहनाया जाएगा, आप टोपी पहन के मरने के बाद टोपी नहीं पहनाया जाएगा, ये सुन्नत यही रह जाएंगी। इस्लामी लिबास पहन के सुन्नत है यही रह जाएंगी, कफन पहना दिया जाएगा। आप जरा गौर कीजिएगा, मिसवाक है खबर में जाते वक्त साथ में नहीं ले जाएगा, इतर है, सुरमा है, ये सब सुन्नतें यही छोड़ देंगे। मैयत को घस घस के उन्हें लगाएंगा गसल, मगर मैयत अपने साथ नहीं ले जाएंगे, मैयत अपने साथ नहीं ले, मैयत को लगाता गसल अलग बात है, मगर मैयत तो नहीं लगा लेती, नहीं लेके जाती, सारी चीजें यही, कुरान यही, हदीस यही, मुसल्ला यही, तस्बीह यही, सब यही छूट जाएगा, मगर एक सुन्नत है जो खबर में साथ में जाएंगी, उस सुन्नत का नाम दाढ़ी है। सुभान अल्लाह, दाढ़ी है। और सुनो 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 सुनो, दाढ़ी जिस आदमी के चेहरे पर होती है ना, फरिश्तों को शर्म आती है उस दाढ़ी वाले को अजाब देने के लिए। ये अजाब से बचने का सबब है, अजाब से बचने का। हमारे बुड्ढों को कभी हम लोग जाते ना कटिंग बनाने करने, बुड्ढे भी आते वहां हैदराबाद में कटिंग बनाने, ऐसा यूं चमड़ा खींचता है, ऐसा यूं खींच के दौड़ के घस रहा हजाम, बुड्ढे का चमड़ा झिल्ली पूरी ढीली पड़ गई, कहां कट जाती की बोल के खींच खींच के खींच रहा उन्हें हजाम। और बुड्ढे को शर्म नहीं आ रही अभी भी, दाढ़ियां काटते फिर रहा, ऐसा फिर नहीं, एक बहुत हार्ट अटैक आया, अंगूर संभल के ऐसा चल रहा, पट्टा पल्सर चला तो बोल रहा अभी भी, शर्म नहीं आ रही, शर्म, मौत मुंह को आ गई, घर के बाहर फिर रही मौत। बुड्ढा इधर जो है टीवी के सामने बैठे हुआ है, क्या हुआ शाहरुख खान के बेटे के साथ, तेरी खबर में आता उन्हें ड्रग्स ले लेके ठहर, ऐसा फिर रही, ऐसा फिर रही, अरे कई का घूमंड रहे, चार दिन की जिंदगी है। मेरे बड़े भाई का भाई, अभी मैं शफी पाशा साहब को सुनाया, मेरे बड़े भाई मेरे से उम्र में 9 साल के बड़े थे, 52 ईयर्स के थे बेचारे, चार छोटे छोटे बच्चों के बाप, एक दिन बीमार पड़े, बुखार आया, मियाँ जरा बोल के मेरे को कॉल करे, मैं उनको दवा खाने को लेके जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, रात में अच्छे थे, हमारे शागिर्दा भी साथ में थे, मुरीदा साथ में थे, रात में हम दवा खाने को लेके दूसरे दिन तीसरे दिन लग गए, लेके जाके बस लेके जाके घर में छोड़े, सांस फूलना शुरू हुई, फूली फूली फूली, लेके भागे दिन भर संभली नहीं, तब दूसरे दिन रात, दूसरी रात में इंतकाल, खलास। क्या है जी इंसान की जिंदगी की कोई औकात है, समझ रहे हैं? ये अकड़ रहा मुसलमान, ये हिमाकत कर रहा मुसलमान, ऐसा फिर रहा मुसलमान, समझ रहा कि और 100 साल तक अपने को इसराइल देखने वाला ही नहीं है। अरे जर्रा खस्से मसने में मैयता मैयता मैयता, हमारे घर के पास एक मस्जिद है, एक ही दिन में 35 जनाजे आए, 35, एक ही दिन में 35 जनाजे आए कोविड में, उसके बाद भी हमारी कौम ना अल्लाह की तरफ रुजू हो रही, ना रसूल अल्लाह की तरफ रुजू हो रही, ना दिल में इश्क़े रसूल आ रहा। और मैं ये बाजू वालों से ज्यादा ये मसले में सुन्नियों से दिल दुखता मेरा, ये हमारे सुन्नियां इतने खतरनाक है, इतने खतरनाक है बेटे, ये झंडे बोलो चढ़ाएंगे, मीलाद का जुलूस बोलो निकालेंगे, छट्टी शरीफ बोलो करेंगे, शफी पाशा के मुंह पैरों को अंगूठे को खींच के 2 भैरियां देना, अबे शफी पाशा के पैरों को चूमने आ रहा, अल्लाह को सजदा करने नहीं आ रहा, अरे गधे तेरे को, क्या कौम है भैया हमारी, 3 टाइम अल्लाह बगैर मांगे खिला रहा यार, वो पूछने से पहले खिला दे, पूछने से पहले खिला रहा मेरे भाई, सुबह उठे तक खाना तैयार है, रात में घर को आए तक खाना तैयार है, दिन को जा रहे दोपहर बाद में और ही दोपहर का खाना टिफिन साथ में पहले हाथ को आ रहा। देखिए शफी पाशा साहब कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, 1 साल कोरोना हुआ, बड़ी बड़ी गवर्नमेंटों की धच्चियां उड़ गई है, मगर हमारे को फर्क नहीं पड़ा कुछ भी, अल्लाह बराबर खिलाया,
इतना अल्लाह खिलाने के बाद भी आओ रे बड़े भाई, पढ़ो रे जरा अल्लाह की तरफ, आओ रे भाई अल्लाह अल्लाह करो जरा, एक 200 बार तो भी कम से कम दरूद पढ़ो, कुछ भी नहीं रे भाई, खाली नमाज रे, 5 वक्त की नमाज, रोजाना रोजा रखना तो नहीं है, रोजा साल में 1 महीने में है, रोजाना जकात देना तो नहीं है, रोजाना हज करना तो नहीं है, रोजाना आपको जाके जो है पूरे गांव वालों की खिदमत करना तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या काम है भाई आपको, सिर्फ बस एक ही काम है, रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। अब इतना भी अगर नहीं करेंगे तो फिर काई की मुसलमानियत यार हो, इतना भी अगर अपने रब को नहीं पुकारेंगे क्या है मेरे भाई, क्या है, आप जरा गौर कीजिए, क्या मुसलमानियत है ये कई की मुसलमानियत है मेरे भाई। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, आज आपके बीच में आया हूं, आज मिलाद उन नबी के सदक़े में ये पैगाम लेके जाओ, कल से हम शैतान के नक्शे कदम पे चल के नहीं, मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे चल के जिंदगी गुजारेंगे, सरकार के गुलाम बनेंगे, आशिक बनेंगे, सरकार से मोहब्बत करेंगे, सरकार से प्यार करेंगे, सरकार को चाहेंगे। अरे मेरे भाई, हुजूर फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, दिन में 5 मरतबा सजदे करने के वास्ते काहे की बेजारगी, काहे का रोना, काहे का टेंशन, ये समझ में नहीं आया। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात इंशाअल्लाह ताला नमाज की पाबंदी करेंगे और दीनदारी इख्तियार करेंगे। ये जो पैंट बुशर्ट आप पहन के बैठे थे, इतने लोग ये सुन लिया है पूरे, इसके अंदर देखो तुम 30% लोग बगैर टोपी के बैठे हुए, 30% लोग जो है दस्ती बनने के बैठे हुए, टोपी बगैर पहने बैठे हुए, कई कुरे बाबा क्या मुसीबत आ गई तेरे ऊपर, टोपी कई कुने पहनता तू रे, ये पैंट भूषण ना कई को पहने बाबा, तुम लोग किसका लिबास है बोलो, इतना बोल दो खाली, ये मुसलमान का लिबास है नहीं। बोलो ना जी, बोलो ना जी, अच्छा तुम लोग कुर्ता पायजामा पहने तो तुम लोगों को कौन बोले बच्ची नहीं देते बोल के, देखो बच्चे अभी हंस रहे वहां से, बोलो रे बड़े भाई, ये कई कुरे भाई यहूदियों का लिबास, यहूदियों के कपड़े, ईसाइयों का लिबास, ईसाइयों के कपड़े, अपन किसकी उम्मत है, सुभान अल्लाह, किसकी उम्मत है नबी की, फिर नबी का भी हमारा कुछ लिबास है नहीं है, बोलो ना जी, हमारे नबी का लिबास है नहीं है, तो फिर हम नबी की उम्मत, नबी के नक्शे कदम पे चलना नहीं चलना, फिर हम ये गैरों के नक्शे कदम पे गए। मैं एक सवाल तुम्हारे से करता हूं, तुम्हारी गीरत अगर जिंदा है तो जवाब देना, नहीं तो नहीं देना। अब हमारे मुल्क में ईसाइयां है नहीं है, ईसाई है, यहूदी है, पूरे हिंदुस्तान में खींच के माप के निकाले तो कम से कम एक 10 करोड़ तो निकलते होंगे, ईसाइयां यहूदियां 10 करोड़ निकलते, 10 करोड़ में मेरे को एक ईसाई लाके देना जो मुसलमानों का लिबास पहनता। अरे वाह, पॉइंट, क्या कहने जवाब, 10 करोड़ ईसाइयों यहूदियों में एक ईसाई एक यहूदी मेरे को लाके दियो जो मुसलमानों के नबी का लिबास पहनता, लाके दे सकते, देखो लोग कितने गैरतमंद है, उन्हों तुम्हारा लिबास नहीं पहन रहे और हम कितनी बेगीरत कौम है, हम अपने नबी का लिबास छोड़ के गैरों का लिबास पहन रहे हैं, उन्हों 10 करोड़ हो के एक आदमी नहीं पहन रहा, हम लोग 40 करोड़ हो के 40 के 40 पूरे उनके पीछे भाग रहे हैं बेगीरतों के साथ। अब सुन लो कान खोल के, जो जिसके साथ जैसा अमल करेगा उसका हशर उन्हीं के साथ होगा। दुनिया में हम यहूदियों ईसाइयों के नक्शे कदम पे चलेंगे तो हशर भी हमारा ईसाइयों यहूदियों के साथ होगा। अगर हम आखिर दुनिया में मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, आमेना का लाल कहता है, मन अहबा सुन्नती फकत अहबनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की गोया के उसने मुझसे मोहब्बत की, वह मन अहबनी काना मरिया फिल जन्ना, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह, नबी के साथ रहना है, किसको किसको रहना है जरा हाथ उठा दो, सुभान अल्लाह, फिराओ ना रो कैमरा, जरा ठहरो, जरा कैमरा फिरा दो, गवाह गवाह गवाह
गवाह। किसको किसको नबी के साथ रहना है भाई, जरा हाथ उठाओ जल्दी, फिराओ जी कैमरा, हाथा गिर जा रहे, फिरा रहे बड़े भाई, जल्दी जल्दी फिरा रहे, फिरा ये हाथा, ये झूठे मूठे हाथा है रे, जल्दी ले रहे इसको, ये चुप चुप के वास्ते उठाए सो हाथा है। सच्चे दिल से कौन कौन उठाए, दो उठाओ जी सच्चे दिल से। अरे वाह 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 सुभान अल्लाह, औरत बोले अल्लाह का शुक्र है अपन बच गए, बोल रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, तुम अगर नबी के साथ जन्नत में रहना चाहते हो तो बस एक तावीज दे देता हूँ, एक तावीज दे देता हूँ, नबी के साथ जन्नत में जगह मिल जाएगी। तावीज किसको किसको चाहिए हाथ उठाओ, चलो छोड़ दो, मगर तावीज 21 रुपए देना पड़ेगा। कौन कौन देंगे अब हाथ उठाओ, अरे वाह सुभान अल्लाह, छोड़ दो हाथ छोड़ दो। अब जरा सुनो, ये तावीज गले में पहनने की नहीं है, दंड पे बनने की नहीं है, रात में जलाने की नहीं है, ये तावीज अमल करने की तावीज है। इस तावीज का नाम सुन्नत मुस्तफा है, जो मेरे नबी की सुन्नतों पर अमल करेगा, नबी के तरीके पर अमल करेगा, नबी के नक्शे कदम पे चलेगा, नबी की सनाखानी करेगा, नबी की नातखानी करेगा, नबी की मदहा सराई करेगा, नबी के तरीके पे चलेगा। खुदा की कसम वो मरेगा कामा वाला माधोनी आंध्र प्रदेश में, मगर जन्नत में मदीने वाले मुस्तफा के साथ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद उन नबी, नारे तकबीर। मुल्की को ये पब्लिक पलटा ना, सुभान 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 अल्लाह। अमल करेंगे, तहारत से रहेंगे, तहारत से रहेंगे, और जल्दी जल्दी कौन कौन मरेंगे हाथ दिखाओ। अरे अरे जल्दी मरेंगे, कई को मरते जी जल्दी सुकून से, जो 80 साल 90 साल 100 साल होके मरना, जल्दी जल्दी 45 में, 55 में नहीं, 52 में नहीं, 45 में, 55 में, 52 में कौन मरते बोलू, जान दो मर्जी बोल रहा हूँ। 45 में, 52 में, 55 में कौन मरते बोलू, 45-55 ऐसा बोलो, मतलब 45। अच्छा नहीं समझ में आ रहा, 45 में, 45 इयर्स में कौन मरना चाह रहे, 52-55 नहीं मरना है ना, मगर मरते कौन मरते सुनो, गुटके खाने वाले। सही बोले आप, बहुत सही बोले। कौन मरते बोलो, गुटके खाने वाले जल्दी मर जाते। अम्मा तुम्हारे शोहरों को बेटों को गुटका खाने नको दो, जल्दी बेवा हो जाते देखो। और फिर ये इतना खराब जमाना है, दूसरी शादी करने भी नहीं देते यहाँ पे, फुगट में मार दे रहे हैं बच्चियों को। तो प्यारे दोस्तों, गुटका खाएंगे, जर्दे का पान खाएंगे, सिगरेटा फूकेंगे, शराब पिएंगे, गांजा पिए फूकेंगे, अफीम लेंगे, ड्रग्स लेंगे, 45 में, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहू अकबर, चले जाते खबर को। बच्चों की जवानी भी नहीं देखेंगे, उससे पहले मर जाएंगे। अल्लाह सकरात से ज्यादा, हाँ बहुत गलीज मौत, बहुत गलीज मौत। छोड़ दो गुटके मत खाओ, कितने गलीज हो गए जी मुसलमान, इतने गलीज हो गए। मेरे को वहाबियां पकड़ पकड़ के बोले मौलाना तुम जाते खाली वहाबियों की बैटिंग करते, तुम्हारे सामने बैठे से वाले कितने खतरनाक है तुम्हारा कोई आइडिया नहीं है मौलाना, बोल रहे मेरे। अब मेरा कल बयान कोसगी में, कोसगी में पूरे वहाबिया अलर्ट है, आ रहा का तेरी नक्शबंदी। तो मैं बोला मैं अकेला नहीं आता हूँ, पूरे पूरे कामावरम वालों को ले लेके आता हूँ, बोला चलते कल। कौन कौन चलते है, नक्को रे भाई ये झूठे बात है, हामते बात है, तुम लोग आसो यूं करते यूं हाथ उठाने में टेंशन है, उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ, दो 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 है अच्छा, वाह तीन रहते तो वो भी उठा देता हूँ। हमारे मुसलमान नहीं, सच्ची सच्ची ईमानदारी से बोलो, कल कामावरम वाले कितने आएंगे, कोसगी को
ईमानदारी से ये ईमानदारी क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ईमानदारी, ये शरीफ लोग हैं ईमानदार। दूसरे दिन तुम लोग नहीं आते, उल्ला बोले आज ही चाहे तो तहारत दे दिए मौल साहब, कल आ गए तो गुसल भी करा देते। मैं इसलिए ये सब तुम्हारा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी ख्वाहिश है अपन बरोजे महशर रसूल अल्लाह के साथ रहना, जन्नत में सरकार के साथ रहना, रहेंगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, गुटखा नहीं खाना, खाएंगे नहीं। हमारे शहर में मैं एक नमाज जनाजा पढ़ाया, मगर उससे पहले की स्टोरी सुनाता हूँ आपको, सुनाओ। मेरे एक अजीज है चाहने वाले बेचारे, बेनते हैं मोहब्बत करते मुझसे, हैदराबाद में रहते, तो मैं उनको खैर खैरियत पूछने ऐसे ही कॉल किया, कहें भाई खैरियत कैसे हैं, किधर है, मुझे नहीं मौलाना जरा दुआ फरमाइए, बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ बड़े भाई? बोले मेरे दामाद को ले लेके बेंगलुरु आया हुआ हूँ इलाज के लिए। मैं बोला अरे तुम्हारा दामाद है कितना जी, छोटा चुन्नू मुन्नू, उसको क्या इलाज कराना पड़ रहा, परसों तो शादी हुई। जी हाँ मौलाना, 4 साल हुआ शादी हो के, 2 छोटे छोटे बच्चे है। क्या उम्र है दामाद की? 32 साल, 32 ईयर्स ओनली, 32 ईयर्स। क्या हुआ? बोले मौलाना वो यहाँ कल्ले में एक फुंसी हुई थी, वो फुंसी का इलाज कराए कर रहे सामने से, तो इलाज हो गया, जख्म सूख गया, मगर अंदर अंदर वो जख्म पकने लगा, इधर से जाहिर होने लगा वो फोड़ा। फिर लेके जाके इधर से एक बड़े दवाखाने में इलाज कराए तो लगा, बोले ये कैंसर के जैसा दिख रहा। फिर उसका ट्रीटमेंट करा, इलाज कराया, तो यहाँ से भी सूख गया, अंदर से भी सूख गया, मगर वो जहर फैलते फैलते पूरा पीछे रीढ़ की हड्डी में उतर गया, और अब उसकी पूरी बॉडी में वो कैंसर के जरासीम फैल गए। उसका ट्रीटमेंट यहाँ हैदराबाद में नहीं है, बेंगलुरु में हो रहा है, इसको ले लेके आया। 2 छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा 2.5 साल का, दूसरा बच्चा 6 महीने का, 4 साल हुआ शादी हो गई। फिर 8 दिन के बाद बेंगलुरु से डेड बॉडी एम्बुलेंस में डाल के ले लेके आए हैदराबाद। मैं 32 साल के नौजवान का जनाजा पढ़ाया, उस दिन मैं खसम खा लिया, ऐ अल्लाह आज से मैं तेरे नबी की उम्मत को गुटखा खाने से रोकूंगा। वो आज तक जनाजा मेरी आंखों में, मैं भूल नहीं सक रहा हूं बच्चे को, बेचारा कुछ भी नहीं करा जी जिंदगी में, ना मां शौक देखा, ना जवानी देखा, ना बीवी बच्चों का प्यार देखा, ना माँ बाप की खिदमत करा, ना तो दुनिया में कुछ कमाया, ना तो घर बनाया, ना तो अच्छी गाड़ी लिया, ना तो अच्छा बंगला, तो कुछ भी नहीं दिखा। आया गुटके खाया, फुगट में मर गया, फुगट में चले गया, बेकार मौत मर के चले गया मेरे भाई, आज तक अफसोस है मेरे। जान बूझ के हमारे नौजवान क्या शौक है मेरे भाई, गुटका खा रहे हैं, गुटका खा रहे हैं, गुटका मुंह में रख के जो है अब आप बाहर निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग आके मेरे हाथ तीनों कद धोतों में हाथ को साबुन लगा लगा, दलिंदर तेरे हाथ की गुटके की सड़ी बदबू मेरे हाथ में हो, ऐसा चुमरा जैसा इन्हें जो है बहुत बड़ा सेंट का इतर का मजमुआ है, और बास नालायक है सामने ठहर के बाद सड़ी बदबू मुंह में से गुटके के चीटे निकल रहे हैं। मैं सोचता हूं अल्लाह इन्हें इतनी दूर ठहर के बात कर रहा, डिस्टेंस मेंटेन करके, तो ये हाल हो रहा, इसकी बीवी का क्या हो रहा होगा, मौला क्या बदनसीब है वो बिचारी, इसके जैसा मनहूस उसके मुकद्दर में लिख दिया गया, पूरी जिंदगी वैसी गुटके की बो के साथ जिंदगी गुजारी बिचारी। हो दुनिया का सबसे खरीब से खरीब तर रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का, जब इन्हें खरीब आ रही क्या बीतती होंगी बिचारी के ऊपर, अल्लाह रहम करे। फिर वो गुटके की बो, उसके ऊपर सड़ी सिगरेटों की बो, फिर उसके ऊपर सड़ी वो चाय पे चाय, चाय पे चाय, चाय पे चाय, चाय पे चाय मारता। अभी हम घर में खाना खाए, बेचारा इतनी छोटी प्याली में चाय दिया, आधी पी के आधी वापस दे दिया, मैं एक प्याली चाय पीने हमारे को डर हो रहा, एसिडिटी होती बोल के इन्हें डाल लेते जा रहा, गुटके खा जा रहा, सिगरेटा पी ले रहा, कभी कभी पैकेट भी मार ले रहा, सोचता इसको एसिडिटी भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही इसको, इसको डायरेक्ट मौत आ रही इसको। हसो नको लोटो,
मगर मेरी बात समझो, खुदा की कसम बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं मैं आपको। ये गांवों में बहुत चल रहा, तुम्हारा सुन्नियत बताने की जरूरत नहीं है। तुम लोग तो गौसे आजम को छोड़ दो, गौसे आजम के झंडे कुछ इतना शान से रखे सो है तुम लोगों के तो अच्छा सुन्नी कोई भी नहीं है। मगर आज हमारे जरूरत अच्छे आमाल की है, अच्छे किरदार की है, अच्छे अखलाक की है, इंसानियत की है, मोहब्बत की है, नबी के तरीके की जरूरत है। अमल करेंगे नहीं? अच्छा जरा ईमानदारी से पूछता हूँ, झूठे बातें नहीं करना। दाढ़ियां कौन कौन छोड़ते, जरा हाथ उठा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, ये जो मेरे भाई दाढ़ी नहीं छोड़े, मौला इन लोगों को दाढ़ी छोड़ने की तौफीक दे। इन लोग हाथ के को नहीं उठाए अल्लाह, मेरे को नहीं मालूम इन्हें क्या क्या सोच के बैठा है अल्लाह। इसकी बीवी भी आ गई, इसके बच्चे भी आ गए, अभी ने कौन सी शादी की तैयारी करना चाह रहा वो भी नहीं मालूम। ए अल्लाह, इसको ना खबर का खौफ है ना तेरे अजाब का खौफ है। ए अल्लाह, इन्हें इतना खतरनाक हो गया, अब भी सुधरने को तैयार नहीं है। ए अल्लाह, इसको तौफीक दे। हाथ नहीं उठाए, 3, 4, 8, 10, 15 बगैर दाढ़ी के मुंडे बैठे हुए, कहीं को नहीं उठाए पट्टे, समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह हमारी कौम को तौफीक दे भाई। अच्छी बात बताने वाले मर गए मेरे भाई ये जमाने में, अगर कोई बताने वाले मिल गए तो अमल कर लो मेरे भाई, अमल ही सब कुछ है। अरे मेरे गौसे पाक आए हाय हाय, पूरी जिंदगी एक नमाज नहीं छोड़े। गौसे पाक के पास एक शख्स आया, गौसे पाक के पास करामतों का जिक्र सुना, जिक्र सुना, जिक्र सुना, सुन के आया, गौसे पाक की बारगाह में आया, करामता देखने आया, खानखा में रह गया गौसे पाक की, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 40 दिन, 40 दिन के बाद वापस जाने लगा। गौसे पाक सरकार, सरकार इजाजत दे तो जाता हूँ घर को। गौसे पाक पूछे, आए किधर, जा रहे किधर? बोला, सरकार आपकी करामतों का चर्चा सुन के आया, आपकी करामतों का चर्चा सुन के आया, देखने आया था। हुजूर गौसे पाक पूछे, देखे फिर करामत? बोले, सरकार 40 दिन से एक भी करामत नहीं देखा। बोला तो गौसे पाक पूछे, 40 दिन से तू मुझे शरीयत के खिलाफ काम करते हुए देखा? बोले, या रसूल अल्लाह, या गौसे पाक, नहीं देखा, आपका हर अमल शरीयत के मुताबिक देखा। गौसे पाक फरमाते, यही तो सबसे बड़ी करामत है, यही तो सबसे बड़ी। हम गौसे पाक के गुलाम है मेरे भाई, हमारा अमल अच्छा कर लेंगे इंशाल्लाह। माँ बाप को नहीं सताएंगे, बीवियों को नहीं मारेंगे। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। गांव वाले बहुत मारते, बहुत खतरनाक है गांव वाले। अम्मा मेरे को मालूम, गांव वाले बहुत खतरनाक है, बीवियों को मारते, गालियां देते। मैं एक बड़े मियां को सुना, 70 साल की उम्र